वालेकुम। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। सो गाइस, आज जो है ना मेरा लास्ट पेपर था और मेरे पास जो है व्लॉगिंग के लिए भी कुछ नहीं था। और आप लोग काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, आप रेगुलर वीडियोस पोस्ट करें, आप रेगुलर जो है व्लॉग पोस्ट करें। सो गाइस, टाइम नहीं है, टाइम मैनेज करना भी होता है। सो मैंने सोचा जी आज मेरा लास्ट पेपर है, क्यों ना यही व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। सो जी मैंने जो है ना वीडियोज़ बनाई हैं, काफ़ी सारे क्लिप्स बनाए हैं जो कि मैं इसी वीडियो में ऐड करने वाली हूँ वो क्लिप्स। सो मैंने कुछ क्लिप्स जो है ना ऐड किए हैं और ये वाली जो वीडियो होने वाली है पूरी वॉइस ओवर होने वाली है, क्योंकि भाई हमें शर्म आती है किसी के सामने जो है वीडियो बनाते हुए। सो मैंने सोचा कि ये जो है ना वीडियो आपको वॉइस ओवर करके दिखाई जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग जो है ना ये व्लॉग शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, इट्स मी कराची की लड़की हियर। The 25th of May 2023. So yeah guys, very 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 good morning आप लोगों को मेरी तरफ से। मैं उठ गई हूँ जी 6:30 बजे, मैं फटाफट से उठी, मैंने पर्दे शर्दे खोले, मैंने घर वालों को फुल उठाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं उठा। सो यार मैं आ गई हूँ जी फ्रेश होने के लिए। सो यार जी हाँ मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, आप लोग मेरे घर के हालात देख ही सकते हो कि सभी सो रहे हैं। तो भाई सुबह उठते के साथ जो मेरा पहला काम होता है वो ये होता है कि मैं पी लूँ अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैं गई जी किचन में, किचन में जाते ही साथ जो है ना मैंने सामान देखा बिखरा पड़ा था तो मैंने उसे उसकी जगह पर रखा। सो गाइस बात कुछ यूँ है कि जब मैं सुबह सुबह पानी पीती हूँ ना तो वो गर्म पानी पीती हूँ, मतलब वार्म वाटर, बट मुझे सामने नज़र आया ठंडा पानी तो मैंने जी वही जो है ना ग्लास में डाल के निकाल लिया। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना पानी को डाला। तो यार गाइस अब पी लेते हैं पानी। तो जी मैंने जो है ना पानी पीने के चक्कर में सारा पानी गिरा दिया, मैस क्रिएट कर दिया, तो मम्मा के आने से पहले पहले मैंने जो है ना सफाई कर ली थी। सो यार गाइस एक ग्लास में अपना काम नहीं बनाता तो मैंने दोबारा से पानी पिया, क्योंकि इतना बड़ा ग्लास का साइज़ था उसमें कहाँ पेट भर सकता है। सो हाँ जी फाइनली गाइस यहाँ पर आपकी बहन जो है ना फ्रेश हो चुकी है। तो भाई मैंने सोचा थोड़ा सा रिविज़न मार लेना चाहिए, थोड़े रोले शोले मारने चाहिए बुक के साथ। तो भाई मैंने बुक खोली, बुक के अंदर से जो सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी ना उसको मैं फील कर रही थी। सो यार गाइस रिविज़न करते करते आपकी बहन को लग गई इतनी तेज़ की भूख, तो भाई मैंने सोचा पहले पेट पूजा बाद में कोई काम दूजा। सो हाँ जी मैंने रोले शोले को रखा जी साइड पे और फिर मैं गई अपनी मामा के पास, मैंने उनसे कहा भाई मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। सो फाइनली जी इनकी भी गुड मॉर्निंग हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो यार गाइस इतनी देर में हमारी अम्मी जान हमारे लिए नाश्ता बना के लेकर आ गई थी, तो अब हम कर लेते हैं जी अपनी पेट पूजा। सो गाइस मैं नाश्ता कर ही रही थी तो मुझे याद आया कि भाई मैंने तो अपना यूनिफॉर्म प्रेस ही नहीं किया। तो मैं भागती दौड़ती 100 की स्पीड से जो है ना मैंने स्टार्ट की इस्त्री करना, क्योंकि भाई कराची की इलेक्ट्रिसिटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, कब जाए कब आए कुछ पता नहीं। फिर मैंने बिना किसी चीज़ का सोचे समझे बगैर अपना यूनिफॉर्म प्रेस किया, जल्दी जल्दी से फटाफट से जो है ना मैंने प्रेस की। प्रेस करने के बाद जी यहाँ पर हो गए मेरे कपड़े फाइनली प्रेस। सो यार गाइस सारे काम से फारिग होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़े से बाहर के नज़ारे कर लिए जाए। अरे जब मैं बाहर गई यार कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, आई एम इन लव विद दिस वेदर। सो यार गाइस अब बारी आती है जी रेडी होने की। तो यहाँ जी मैं रेडी होने आ गई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ जी मैंने अपनी थोड़ी सी मिनी सी ट्रांसफॉर्मेशन मारी है। सो गाइस इस वक्त जो है ना मुझ पर जो है ना मेरा पूरा पूरा दिल आ चुका था, तो मैंने सोचा कि भाई अब जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने जल्दी से अपना सामान रेडी किया, पर जी हम अपनी जो है ना राइड पर बैठ गए। सो यार जी मैंने फुल बाइक राइड जो है ना इन्जॉय की, मतलब मेरी एक तरीके से लॉन्ग ड्राइव लगी, क्योंकि हमारे घर से जो है ना 10-15 मिनट का रास्ता है ना मेरे सेंटर का। तो जी मैंने फुल इन्जॉय किया। इन्जॉय करने के बाद जी मैं पहुँची अपनी लोकेशन पर। लोकेशन पर पहुँचने के बाद जी मैंने देखा इतना रश था ना बाहर लगा हुआ, तो क्योंकि उन्होंने जो है ना अभी तक गेट नहीं खोला। सो वहाँ पहुँचते ही ना सारी मेरे पीछे लग रही है भाई तुम वीडियोस वगैरह बना लो हमारे साथ भी मिलकर। तुम गाइस मुझे पता था कि कैसी वीडियो बनाने वाली है, रोले शोले मारने वाली है। सो आई होप गाइस आप लोगों ने इन लोगों की वॉइस सुनी ली होंगी, तो ये लोग कैसी क्रिंज हरकतें करी है माशाल्लाह से। सो फाइनली गाइस हम लोगों को जो है ना अपना रूम मिल गया, मैं बैठ चुकी थी, मैंने पेपर वगैरह फिल किया, मतलब कॉपी जो है ना फिल की। फिल करने के बाद बीच में हमें मोबाइल लेने की इजाज़त नहीं दी थी। तो यहाँ आज ही मेरा पेपर जी डन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो आपकी बहन ने क्या शान का काम किया, मतलब एक एक पेज लिखा, एक एक वर्ड लिखा है ना। सो जी वहाँ के कुछ रूल थे कि ड्यूरिंग पेपर जो है ना आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती, आप उसके बाद ले सकती हैं जब आपका पेपर डन हो जाए। सो फिर फाइनली मेरा पेपर डन हो गया था यहाँ। तो भाई मैंने अपने हाथ की हालत चेक की, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लास का पेपर जो है ना मैंने किया हो माशाल्लाह। सो गाइज आप भी सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, भाई ये वही लड़की है जो पेपर से पहले कह रही थी मुझे सब आता है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम इनकी कुछ ऐसी हालत थी। वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज
सो यहाँ हम तैयारी कर रहे थे सब घर जाने की, तो आप लोग इन लोगों की खुशी चेक कर सकते हो कि मतलब कितना एक्साइटेड हैं ये लोग। इतना शोर आपके कानों के सुनने के लिए काफ़ी था। तो गाइज़ यहाँ जो है ना सब एक दूसरे में लगे पड़े थे कि भाई ये करना वो करना, भाई करा कुछ नहीं, सीधा जो है ना हम लोग अपने अपने घर निकल लिए, ठीक है, बीच में कुछ नहीं किया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई है भाई, मेहनत लगी, लाइक करके जाना, लाइक करके ही जाना, लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना भूलना ही मत, नोटिफिकेशन ऑन करते जाना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जब तक मैं न्यू व्लॉग पोस्ट ना कर देती, ठीक है, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।